और रेलवे स्टेशन में एंटर हो गया मैं, काफ़ी रश है, वो मेरा गोली कहीं आगे पीछे ना हो जाए। चलो भाई ढूंढें। जनाब अस्करी पार्क और बलूचिस्तान माल के दरमियान उल्टे हाथ पर एक सड़क मोड़ी और हम इसी तरफ जा रहे हैं। इस रोड का नाम है नवा किली रोड। इसी नवा किली रोड पर हम ट्रैवल करते हुए इंशाल्लाह हन्ना लेक की तरफ रवाना दुआ हैं और तकरीबन 25 किलोमीटर का ये हमारा सफ़र है और 25 किलोमीटर में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे हन्ना लेक पर। यह है जी अस्करी पार्क, बड़ा अच्छा पार्क है जी। और अस्करी पार्क अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अस्करी पार्क जो होता है। नवा किली रोड से होते हुए इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ नवा किली चौक में और यहाँ से अब मुझे राइट टर्न लेना है हन्ना लेक की तरफ। तो ये हमने लिया राइट टर्न और अब जा रहे हैं हन्ना लेक। पर ट्रैवल करते करते ये एक वी बना है यहाँ पर। इस जगह का नाम क्या है भाई जान? अरे चौक है, हन्ना औड़क चौक, हन्ना औड़क चौक इसको कहते हैं। यहाँ से एक राइट साइड पर ट्रैक जा रहा है वो सीधा स्पिन कारेज की तरफ, स्पिन कारेज की तरफ। हमने लेफ्ट साइड पे वी की लेफ्ट साइड पे जाना है तो हम हन्ना लेक की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने जरूरी समझा कि आपको गाइड करूँ कि जब भी आप आए यहाँ से पंजाब के पीछे ओला यहीं से रोड हो रहा है। पानी शानी है वहाँ या नहीं मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर हन्ना लेक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक हो? इसको गर्मी लग गई? इसको गर्मी लगा हुआ है। पानी ठंडा? हाँ जी, रास्ते पूरा करके रास्ता दिखा के मैं आपको अब पहुँचाऊँ हन्ना लेक पर। तो हन्ना लेक है कहाँ? मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ हन्ना लेक। ये है मेरे पीछे हन्ना लेक। अभी इसका पानी कम है, पानी का लेवल ज़्यादा होता है। 1997 में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, जो सोचिए पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा था। फिर दरमियान में एक टाइम आया जब ये खुश्क हो गई थी, बिल्कुल पानी नहीं था इसमें, लेकिन अभी फिर बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो उसकी वजह से कुछ पानी आ गया है। तो कोटा के बिल्कुल नज़दीक है, मैं बाइक पर आया हूँ, 70 बाइक थी। स्लो स्लो बातें करते गपशप लगाते आए तो फिर हमें को 35 से 40 मिनट लगे। आप अगर सुजुकी 150 बाइक पर हैं या गाड़ी पर आ रहे हैं तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में कोटा सिटी से आपको 20 से 25 मिनट का ट्रैवल यहाँ पर चलता है। बड़ा नियरेस्ट प्लेस है कोटा से,
कभी भी आप कोयटा आए तो इसको मिस मत करें, इसको देख कर जाएं। और वैसे भी कोयटा के जो मकामी लोग हैं उनके लिए ये नियरेस्ट पिकनिक स्पॉट है, अपने वीकेंड्स को या अपने छुट्टी वाले दिन को, ख़ासतौर पर ईद या कोई ऐसा इवेंट आता है तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है और लोग इस जगह को इंजॉय करने के लिए आते हैं। चलो कोई नहीं, और जाके साफ हो जाएंगे वाइट एंड ब्लैक। ये है यहाँ की सौगात, धूप बहुत तेज़ होती है गर्मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? बोटिंग का बिजनेस? हाँ जी। ये ठेका है यहाँ पे? हाँ जी ठेका है। अच्छा, ठेका क्या सिटी गवर्नमेंट के साथ या एफसी के साथ? एफसी के। मुश्किल काम है भाई, जोर लगता है। ये दो बंदों से आसान चलता है, आसान काम नहीं है। ओह, पानी का बड़ा जोर मांगती है जी। पानी कम है इसलिए दो बंदों से बहुत, लेकिन है ये सुपर हैवी बाइक, 150 चलाई है, 550 चलाई है, लेकिन ये तो भाई को 2500 सीसी है। मजा आया, आप जब भी आए इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मजेदार चीज है। वो साइकिल वाली बोट्स आपको मैंने दिखाई, यहाँ पर ये दूसरी डिज़ाइन की बोट्स भी हैं, कश्ती टाइप, वो साइकिलें बनी हुई हैं। तरीकाकार वही है कि आपको बैठकर पैडल खुद चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इसका वज़न ज़्यादा है तो ये दो बंदे बैठ के इकट्ठे चलाते हैं, ये फिर चलती है, वरना ज़रा मुश्किल हो जाती है जी। जनाब, मोटर बोट्स भी अवेलेबल हैं, जो लोग जोर नहीं लगाना चाहते वो इसको बुक करवाएं और पूरी झील का चक्कर लगा कर आए। जी व्यूअर्स, आपको मैंने शिप्स तो दिखा दी, नीचे जो बोटिंग हो रही है, और झील के भी कुछ मनाजर दिखाए हैं। तो कोई भी पिकनिक स्पॉट हो तो वहाँ पर खाना पीना ना हो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, अभी एक रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया वहाँ पर ऊपर, तो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, और वहाँ पर बात करते हैं किसी से कि क्या रेट्स हैं, क्या खाना पीना है, सीज़न वगैरह क्या चलता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये एक होटल है जी, खुश आमदेद। होटल का नाम नहीं लिखा, मैं आपको बता नहीं सकता, पूछ लेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर अब आज रश नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ तकरीबन होटल, क्योंकि वर्किंग डे है मंडे। मैं तो टूर पे निकला हूँ तो मुझे तो वीकेंड का आइडिया नहीं था। लोग बता रहे हैं कि वीकेंड पे जुम्मा, हफ्ता और इतवार को काफ़ी ज़्यादा रश होता है। भाई जान, ये बताएं कि यहाँ पर बोट का कितने पैसे ले रहे हैं? एक मैंने देखा साइकिल बोट है, एक वो टू सीटर है, दूसरी छोटी, और एक मोटर बोट है। इन तीनों के बारे में बताएं कि इनके क्या क्या रेट लेते हैं और कितना चक्कर लगवाते हैं। वो पेडल बोट तो आपको पता है 100-100 रुपये लेते हैं, फिर बंदा दो बंदे बैठते हैं, वो रस्सी के अंदर चलाते हैं। साइकिल भी इसी तरह, वो दूसरा चप्पू वाली भी इसी तरह। मोटर बोट का जो है वो 160 रुपये फी बंदा लेते हैं, 1000 रुपये आ जाते हैं, 6 बंदों का एक राउंड देते हैं। जी व्यूअर्स, ये था मेरा आज का एपिसोड हन्ना लेक कोयटा। और आखिर में वही बात, खाना बदोश हैं, सफ़र करते रहते हैं अगली मंजिल की तरफ, नया पड़ाव, नई जगह, नए लोग,
अगली जगह मैं देखता हूँ कौन सी है, आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लोगों को दिखाएं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाएं। अल्लाह हाफिज़।